जी अस्सलाम वालेकुम। सो आज जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दिस इज़ अबाउट द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा हिस्ट्री ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री के बारे में हमने देखा था। इन द प्रेजेंट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ऑफ द सॉलिड मटीरियल्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई मटीरियल की बात कर रहे होते हैं, मटीरियल को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इनऑर्गेनिक मटीरियल ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं। तो अब जब आप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं, तो जब भी आप उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करें। कि जनरली आपने जो लोअर क्लासेस थी या बाकी क्लासेस हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें को पढ़ा हुआ है, बट जब आप उसकी बॉन्डिंग की बात कर रहे होते हैं, यानी उसकी केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं किसी भी मटीरियल की इन द सॉलिड स्टेट, तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, उसके एनर्जी लेवल्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट है, एट्सेट्रा। सो हम यहाँ पर जनरली सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें, तो आप ये जानते हैं कि जनरली देर आर फोर स्टेट्स ऑफ मैटर, बट इन द केस ऑफ सॉलिड, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड, इट इज़ द इसकी जो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है, इन द केस ऑफ सॉलिड यू कैन से दैट यू हैव मोर स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी कंपेयर टू लिक्विड्स एंड अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। जो बेसिकली गैसेस और लिक्विड स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कंपेयर टू सॉलिड जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, उसके अंदर आप ये जानते हैं कि इन दैट स्टेट देर इज़ अ लेस अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट्स होती हैं। रेंडम आप ये जानते हो कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर रेंडमली मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपेयर टू दैट के जो सॉलिड है उसमें मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रेगुलर पैटर्न। अब ये जो गैस और लिक्विड स्टेट है उसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि गैस और लिक्विड स्टेट के अंदर वो क्यों रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वजह ये होती है कि बिकॉज ऑफ द थर्मल मोशन, बिकॉज ऑफ दिस थर्मल मोशन, ये जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वजह है यही है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है इन मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की, के ई काइनेटिक एनर्जी हाई होती है कंपेयर टू सॉलिड्स के। सो आप ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का अगर हम बनाना चाहें, तो आप कहते हैं गैसेस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके बाद लिक्विड्स में होती है, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, सॉलिड्स में, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अच्छा, जो सॉलिड होते हैं आपको पता है कि दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस, ठीक है, और ये स्टैटिकली इसमें मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस पोजिशनड होते हैं इन द केस ऑफ सॉलिड, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, यू हैव टू हैव नो अबाउट द स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इट्स सब यूनिट्स, ठीक है, कि जो ये एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स आपस में स्टैटिकली अटैच्ड हैं, इनके दरमियान इंटरेक्शन कैसी है। व्हेन यू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सो इन दैट केस हमें एक ब्रॉडली डिफाइन करना पड़ेगा, हमें स्टडी करनी पड़ेगी वन बाई वन type of interaction in the solids. So in the solid case, there are generally, we know that there are basically two type of right solids, ठीक है, two type of solids. One kind of solids जिन्हें हम कह रहे होते हैं कि these are called as one kind of solids, ठीक है, these are called amorphous solids, ठीक है, and other kind of solids are called as crystalline solids, ठीक है, amorphous solids and crystalline solids, ठीक है। so
हम अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करना शुरू करें तो हम यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और इमॉर्फस सॉलिड में फ़र्क क्या है, ठीक है, और पॉलीक्रिस्टलाइन में फ़र्क क्या है। तो ये हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं आपको ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो यू शुड नो अबाउट कि वो आपको उसका आंसर ढूंढना है एंड देन डिस्कस विद इट विद मी। सो जनरली हम जब सॉलिड की बात करते हैं तो जो भी सॉलिड चीज़ होगी वो अपनी शेप और अपना वॉल्यूम मेंटेन करेगी, ठीक है, या रिटेन रखेगी। यानी जो सॉलिड है वो अपनी शेप भी रिटेन करती है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो अपनी अपना वॉल्यूम भी रिटेन करती है। जबकि गैसेस और लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। आप ये जानते हैं कि गैसेस और लिक्विड्स जो होते हैं वो अपनी शेप और वॉल्यूम चेंज करते हैं विद टाइम। सो सॉलिड जितने भी हैं, ठीक, अगर उनमें लॉन्ग रेंज रिपीटिंग यूनिट्स हो, जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज रेंज रेपिटेशन है अरेंजमेंट के बेसिस पे, और अगर ऐसा हो तो हम इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्रिस्टलाइन मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। ये उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स को आप इतना टाइम दें कि वो रीअरेंज होकर एक रेगुलर इंटरवल दें। फॉर एग्जांपल, आप ना एक ग्राउंड है उसके अंदर कोई 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। जब वो 10 लाख लोग या 10,000 लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो उन्हें अगर आप रेगुलरली अरेंज करना चाहें, उसके लाइनें बनवाना चाहें, ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न पे, तो इट टेक्स टाइम। हर कोई आएगा अपनी जगह अपनी पोजीशन पर खड़ा होगा तब लाइंस बनेगी। अदरवाइज अगर वो रेंडमली इकट्ठे हो जाएं, आ जाएं और एक जगह क्राउड बना लें, और वो अगर वैसे जनरलाइज फॉर्म में होंगे विदाउट अरेंजमेंट, तो वो जो रेंडम फॉर्म होगी वो क्विकली बनेगी, वो फौरन बनेगी। इसका मतलब सेम द केस इन द क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। अगर आप उन्हें एक टाइम देते हैं, राइट, टू गेट क्रिस्टलाइज्ड और टू गेट अरेंज्ड, ठीक है, तो एक क्रिस्टलाइन मटेरियल बनेगा और उसमें रेगुलर अरेंजमेंट होगी। और अगर आप उसे टाइम नहीं देंगे अरेंजमेंट का, रीअरेंजमेंट का, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को अरेंजमेंट का टाइम नहीं देंगे, तो फिर वो अमॉर्फस स्टेट बनेगी, ठीक है। सो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को आपने क्या करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो क्या करें, रेगुलर अरेंजमेंट में जाए, जिस रेगुलर अरेंजमेंट को हम लैटिस कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारी सॉलिड रॉक्स है, एंड दीज आर क्रिस्टलाइंस, या कुछ पत्थर जो हैं वो बहुत क्रिस्टलाइन स्टेट में हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब वो क्रिस्टलाइन स्टेट में जो जो जितने क्रिस्टलाइन मिनरल्स हैं वो इसलिए क्रिस्टलाइन मिनरल्स हैं कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर पर कई सालों तक उस स्टेट में रहे हैं, और तब जाकर उनकी अरेंजमेंट हुई है और वो एक रेगुलर पैटर्न पे आए हैं और इसलिए क्रिस्टलाइन स्टेट बनी है, ठीक है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर था, एक्सट्रीम प्रेशर था, स्लो इवेपोरेशन थी, ठीक है जी। मोस्टली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, उनमें जब जब हम नेचुरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, ठीक है, मोस्ट अक्रिंग नेचुरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल माइक्रो क्रिस्टलाइन यूनिट्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, सिंगल क्रिस्टल्स विद वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको इस चीज़ को एक एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक क्रिस्टलाइन एरिया है या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वो एरिया या वो ऐसा सॉलिड जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट हो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के। अब अगर आप इसे पॉलीक्रिस्टलाइन में देखें तो इसके इस यूनिट के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर आप इस यूनिट में देखें तो रेगुलर अरेंजमेंट है, और अगर आप इस यूनिट में देखें तो रेगुलर अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब ये एरिया एक क्रिस्टलाइन पार्ट है, ये एरिया दूसरा क्रिस्टलाइन पार्ट है, और ये एरिया तीसरा क्रिस्टलाइन पार्ट है। इसका मतलब इट इज़ बिहेविंग वन क्रिस्टल, इट इज़ बिहेविंग सेकेंड क्रिस्टल, इट इज़ बिहेविंग थर्ड क्रिस्टल।
सो इस तरह के जब कई क्रिस्टल्स इकट्ठे होंगे तो इन्हें हम कहेंगे पॉली क्रिस्टलाइन, राइट? एंड वन पार्ट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन पार्ट। अगर रैंडम अरेंजमेंट है तो फिर तो होमोमॉर्फस हो गया। अब दिस इज पॉली क्रिस्टलाइन फॉर्म। हमारी जो नेचर है उसके अंदर पॉली क्रिस्टलाइन फॉर्म ज़्यादा हैं कंपेयर टू सिंगल क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि वॉट इज सिंगल क्रिस्टल, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉली क्रिस्टल एंड सिंगल क्रिस्टल? ठीक है, आप ये बड़े आपने सुना होगा MSc में भी, इधर उधर भी, MPhil में भी, कि जी वो सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल क्रिस्टल उसने बना लिए हैं, किसी बच्चे ने सिंगल क्रिस्टल बना लिए हैं रिसर्च करते हुए। अब वो सिंगल क्रिस्टल का क्या मतलब है? ठीक है, और पॉली, बाकी ने पॉली क्रिस्टलाइन बनाया जी, वो पॉली क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है? सो आई थिंक पॉली क्रिस्टलाइन मैंने एक्सप्लेन किया, आप सिंगल क्रिस्टलाइन ढूंढें। सो सिंगल क्रिस्टलाइन में जनरली डिफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है, एंड दे आर एक्सट्रीमली रेयर इन नेचर एंड रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक ग्रोथ टेक्निक्स टू गेट दैट सिंगल क्रिस्टल। अच्छा, अब ये जो जो स्टेट है ना, ये वाली पॉली क्रिस्टलाइन, दिस इज वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मटीरियल केमिस्ट्री। मोस्टली जो लोग होते हैं वो पॉली क्रिस्टलाइन स्टेट पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने इवन सुना होगा सोलर सेल्स, सिलिकॉन सोलर सेल, पॉली क्रिस्टलाइन सिंगल सिलिकॉन सोलर सेल एंड सिंगल क्रिस्टलाइन सोलर सिलिकॉन सोलर सेल। अब ये जो पॉली क्रिस्टलाइन सोलर सेल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो एक क्रिस्टलाइन एरिया है ये, और ये दूसरा क्रिस्टलाइन एरिया, इन दो क्रिस्टलाइन एरिया के दरमियान जो ये लाइन है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, इसको कहते हैं बाउंड्री। अब फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ फिनोमेना और इलेक्ट्रिकल मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस क्रिस्टलाइन एरिया, अगर इस क्रिस्टलाइन एरिया में कोई इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जनरेट होती है, इस क्रिस्टलाइन एरिया में दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जनरेट होती है, तो ये याद रखें कि इसके इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्शन है या कोई भी चीज़ है वो इसमें जाने के लिए, इस दूसरे क्रिस्टल के अंदर जाने के लिए, इट शुड हैव सम कॉन्टैक्ट। मसला ये है कि इनके दरमियान बाउंड्री है, और इस बाउंड्री का नाम होता है, इसे कहते हैं ग्रेन बाउंड्री। दिस क्रिस्टलाइन इज कंसिडर्ड एज अ वन ग्रेन, दिस क्रिस्टलाइन एरिया इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंड ग्रेन। सो एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में जो जो कंडक्टेंस है या इलेक्ट्रिकल मूवमेंट है, वो होने के लिए इन दोनों का आपस में मर्ज होना, फ्यूज होना बहुत ज़रूरी है, राइट? ये बाद में हम डिवाइस की तरफ देखेंगे। सो क्रिस्टलाइन, पॉली क्रिस्टलाइन में आपको काफ़ी हद तक पता चल गया। सो मैं सिंगल क्रिस्टल पर बात करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी फीडबैक चाहिए होगी, उन्हें आपसे मैंने पहले पूछना है कि सिंगल क्रिस्टलाइन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है जी? ओके, अच्छा, मैं अब इसको ना ज़्यादा इसलिए चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो आपके पास मैंने आज आपको बुक भेजी है वो यही बुक है, ये वाली बुक है जिसे मैं आपको चीज़ों टॉपिक समझा रहा हूँ, बिकॉज वी आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अगर आप ऑनलाइन में ना होते तो फिर मैं आपको फ़ेस टू फेस में इससे ज़्यादा टफ टाइम दे सकता था, यानी इससे ज़्यादा चीज़ें बताता, और ये सिर्फ रिकमेंड करता पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ चीज़ें वैसी नहीं हैं, लिहाजा आपके पास स्टडी मटीरियल भी नहीं है, तो हम एक ही बुक को फॉलो करते हैं, उसी को पढ़ते हैं, उसी से चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है जी? ओके, इफ अब हम होमोमॉर्फस सॉलिड पे आ रहे हैं, इफ़ देर इज़ नो लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चरल ऑर्डर, तो उस ऐसे सॉलिड्स को हमें होमोमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, लेकिन इसमें कोई लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चरल ऑर्डर नहीं है, लेकिन इसमें शॉर्ट रेंज स्ट्रक्चरल ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इन थ्री एटम्स में देखें, इनमें स्ट्रक्चरल ऑर्डर है, अरेंजमेंट ऐसा एरिया इमॉर्फस सॉलिड में जिसमें कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो, उस एरिया को नाम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। और क्रिस्टलाइट्स में सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया में ही अरेंजमेंट होगी, अदरवाइज अरेंजमेंट स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है जी? सो इट मींस स्पेसिफिक अरेंजमेंट का मतलब है पीरियोडिसिटी इन एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है? इसमें शॉर्ट अमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज पीरियोडिसिटी तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी नहीं हो सकती, ठीक है? सो जनरली हम ये कहते हैं कि जो कोई सॉलिड प्रोडक्ट है, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में हुआ है और उसके नतीजे में आपने उसे कम टाइम दिया है टू गेट अरेंज्ड,
देन दिस काइंड ऑफ जो जो सॉलिड बनेगा उसे हम इमॉर्फस कहेंगे. बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग कि हम कहें कि वो इमॉर्फस बन गया बिकॉज हमने शॉर्ट थोड़ा टाइम दिया. देर आर सम सॉलिड्स जिनके केमिकल रिएक्शन के बाद वो बाई डिफॉल्ट ही वो इमॉर्फस होते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्डरिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है. सो इमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो दे आर मोर थर्मोडाइनेमिकली फेवर्ड, ठीक है, देन द इमॉर्फस स्टेट. और जो इमॉर्फस स्टेट हैं दे आर मोर काइनेटिकली फेवर्ड कंपेयर टू आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के. सो आपने मुझे ये बताना है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये थर्मोडाइनेमिकली फेवर का क्या मतलब होता है और काइनेटिकली फेवर्ड का क्या मतलब होता है. सो आई गेस वी हैव टू क्वेश्चंस सो फार, सिंगल क्रिस्टल, काइनेटिकली फेवर्ड, थर्मोडाइनेमिकली फेवर्ड, इनमें क्या फ़र्क है, ये दूसरा क्वेश्चन होगा. सो अब हम ना थोड़ा सा ये देखने जा रहे हैं कि जैसे अमॉर्फस सॉलिड की एक एग्जांपल है ग्लास. ग्लास इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड, राइट. आप सब लोग जानते हैं सॉलिड है जी, आप बहुत शार्प एज होते हैं, कट भी लगाता है एक्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी आई थिंक, आई डोंट नो कि ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कि बहुत सारे लोग इसको शायद क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते होंगे, लेकिन ये एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है. सो इट इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है. ये अमॉर्फस सॉलिड इसके अंदर इसलिए है कि इसकी जो जो कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और जो टेम्परेचर है, इवन आप स्लो टेम्परेचर ड्रॉप करें यानी इसका टाइम ज़्यादा दें टू गेट क्रिस्टलाइज, उसकी मोबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम करें, तब भी ये क्रिस्टलाइन स्टेट में नहीं जाता. वजह बिकॉज ऑफ द हाई रिजिडिटी ऑफ द सॉलिड. तो अच्छा, अब इसमें ना ऐसे सॉलिड्स को जनरली ऐसे कंपाउंड्स को हम रेफर करते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है. और जनरली अगर आप किसी ग्लास को अगर आप देखें, इट वाज वंस थॉट, पुराने ज़माने में ये लोग ये कहते थे कि ग्लास जो है वो स्लोली क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है. However, it is not understand that the glass structure इतना ज़्यादा अरसा एक जगह intact कैसे रहता है, ठीक है. अब ये जो slow movement होती है ना molecules की या आइंस की या atoms की किसी भी structure के अंदर, उसको gauge करने के लिए हम एक phenomena use करते हैं, parameter study करते हैं, उसे कहते हैं glass transition temperature. ये वो टेम्परेचर होता है कि जिससे इस टेम्परेचर से नीचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर उनकी बहुत लो मोबिलिटी होती है. अब देखें, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर अ क्रिस्टलाइन मटेरियल, अगर आप क्रिस्टलाइन मटेरियल बनाने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन मटीरियल के लिए आपने बात की कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, टाइम देंगे आप उन्हें, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना आसानी के साथ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगी. अब अगर आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए यानी स्लो रखेंगे, स्लोली उसको कूल डाउन करेंगे, तब वो क्रिस्टलाइन बनेगा. लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो एटम्स मौजूद हैं वो आपस में मूव करें ताकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाएं, और स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर वो अरेंज होंगे तब एक सॉलिड स्टेट बनेगी या क्रिस्टलाइन स्टेट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है जी. अच्छा, इसलिए जो जो पैरामीटर यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. इससे नीचे इनकी मोबिलिटी बहुत कम होती है इस टेम्परेचर से, इससे ऊपर जो होती है इनके अंदर मोबिलिटी होती है, तो हम इसे मोल्ड कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये ज़रा फिगर देखें, ये इस टेबल को देखें, टेबल 2.1, इसमें अगर आप चेक करो तो ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है. इसका मतलब ये देखो, पॉलीथाइलीन -30 डिग्री पर आप आसानी से इसको मोल्ड कर लेते हैं, ठीक है. और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो 1430 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही आप इसे मोल्ड कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं कर सकते. अब ये ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का आप रिलेशनशिप ज़रा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के साथ करें, देखें अगर, तो कोवलेंट बॉन्ड
डालेक बॉन्ड, आइनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वैंडरवॉल, कोवलेंट, वैंडरवॉल, वैंडरवॉल। तो जितना आप उसकी बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही क्लास ट्रांजिशन इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। एंड अगेन इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, ठीक हो गया जी। दूसरी, अदर देन ग्लास, बहुत सारे पॉलीमर्स भी जो है ना, वो दे आर ऑल्सो एमॉर्फस, ठीक है, और दे आर रिजिड और इनकी और ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है, बिलो टी जी एंड इलास्टिक अबव टी जी। यानी अगर आप टी जी से नीचे हैं तो ये रिजिड भी हैं, ब्रिटल भी हैं, लेकिन उससे ऊपर जाएं तो आप इन्हें आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, दे आर इलास्टिक, ठीक है जी। तो ये आपको ना डिफरेंट ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इमॉर्फस सॉलिड्स को मोल्ड करने के लिए होता है। बट अगर आप ये चीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड पर लेके जाएं तो देन यू कैन नॉट अप्लाई इट, ठीक है। कैसे? अगर आप ना मेल्टिंग पॉइंट किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का लेना चाहें, NaCl का लेना चाहें, ठीक है, जब आप उसका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे ना, तो एट द टेम्परेचर ऑफ अबाउट से 800 डिग्री पर वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू होगा, और 802 डिग्री पर वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। यानी सब कंप्लीट अरेंजमेंट है, इसलिए आसानी से वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। लेकिन इमॉर्फस में ऐसा नहीं होता, इमॉर्फस में पहले वो सॉफ्ट होता है फिर वो लिक्विड बनता है। तो ये एक लॉन्ग रेंज क्या होती है, मेल्टिंग होती है। ओके, सो लेट्स हैव द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। अब हम ज़रा टाइप ऑफ बॉन्डिंग की तरफ आ रहे हैं। एवरी काइंड ऑफ सॉल्वेंट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, चाहे वो इमॉर्फस है चाहे वो क्रिस्टलाइन है, उसमें इंटर एंड इंट्रा मॉलिकुलर इंटरेक्शन जो है वो हमेशा मौजूद है, और वो बिटवीन देयर सब यूनिट्स यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, और यही इंटर मॉलिकुलर एंड इंट्रा मॉलिकुलर दोनों इंटरेक्शंस, इंटर एंड इंट्रा दोनों क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को। और यह हम आगे पढ़ेंगे कैसे प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज इंटरेक्शंस से आप फिज़िकल, उसकी ऑप्टिकल और उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं या उनसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो जनरली हम ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा ऑर्डर अरेंजमेंट होगी तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, अनऑर्डर्ड होगी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है, ठीक है, इन द केस ऑफ आइस एंड इन द केस ऑफ आइस एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ लिक्विड, ठीक है। जो जो बेसिकली कंट्रोल करती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो क्या कंट्रोल करती है, वाटर की सरफेस टेंशन और उसकी विस्कोसिटी, फिनाइट विस्कोसिटी को भी क्या करती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ही कंट्रोल कर रही है, यानी बॉन्डिंग कंट्रोल कर रही है। फॉर द गैशियस स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है, सो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं है, लिहाजा ये वाली प्रॉपर्टीज़ का जो इम्पैक्ट होगा वो मौजूद नहीं होगा, यानी ये प्रॉपर्टीज़ ही नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, ये सबको कंट्रोल कर रहा होता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड जो है, दैट इज़ कॉल्ड एज आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट आयनिक सॉलिड्स। जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ, ये आप ना उसमें भी आपने पढ़ा है, आपकी FSC की बुक में भी ये होगा कि जो जो ये जो आयनिक सॉलिड्स हैं ये होते क्या हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, या इनका जो किस तरह के मॉलिक्यूल्स के सॉरी फार्मूला यूनिट्स के दरमियान होते हैं, ठीक है जी। सो आयनिक सॉलिड्स को हम अगर करेक्टराइज करें तो उसका मतलब उसमें कैटाइन होता है और एनाइन होता है। कैटाइन और एनाइन जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इस अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, या जिसे हम सारे लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट डज इट मीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है, ठीक।
अब जितने आयनिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को, प्योर आयनिक सॉल्ट्स जनरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। जैसे ये देखें, दिस इज़ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ठीक है, नमक का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज़ फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट, ठीक। अच्छा, आपने ना मुझे ये बताना है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये फेस सेंटर्ड क्यूब होता है एक, और एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? स्ट्रक्चर के लिहाज से आपने मुझे बताना है और ये ड्रॉ करके बताना है मुझे, ठीक है जी। सो अगर आप इन्हें देखें तो ये जो जो ज़्यादातर आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। जैसे ग्रुप वन और ग्रुप सेवन के एलिमेंट जब कंबाइन है तो आयनिक बॉन्ड बनेंगे, 2 या 17 के बाइनरी सॉल्ट्स बनाएंगे तब भी आयनिक होंगे, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स इज वेरी हाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज वेरी हाई। तो देखें, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, ठीक है। सो ऑपोजिटली चार्ज आइंस जो हैं, जो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनमें क्या है, अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इनके अरेंजमेंट इस तरह की होगी कि देयर इज अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन लेस रिपल्शन। सो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो, और रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट करेंगे, तो इस प्रोसेस के दौरान जो लैटिस बनेगा उसकी एक एनर्जी होगी, उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, राइट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू, एंड इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द एटम्स एंड आइंस एंड चार्ज ऑन द आइंस, ठीक है। सो लैटिस एनर्जी ऑफ, इसका फार्मूला देख लें, एन एम जी कैटाइन जी एन आइन डिवाइडेड बाय आर नॉट इन टू ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू 1 माइनस पी ओवर आर नॉट, ठीक है। सो आप ये जानते हैं कि लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मच ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम ऑक्साइड, क्यों? बिकॉज ये जो जेड है ना, जेड, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप देखें एन क्या है इसमें, एन में एवोगाड्रो नंबर, एम क्या है, दिस एम इज एक्चुअली द, इसे कहते हैं मेटलिंग कॉन्स्टेंट, जी कैटाइन क्या है और जी एन आइन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक चार्ज, जिसे आप कहते हैं आयन चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ एन आइन, ठीक है। आर नॉट क्या है, एवरेज आयनिक बॉन्ड लेंथ, ई जो है वो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट, एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, राइट, दिस इज अ बॉर्न एक्सपोनेंट है ये, ठीक है, राइट। तो ये सारे इकट्ठे होकर एक लैटिस एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। अब जितना जब सिंपली बात करें तो ये जेड जो है, दिस इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, तो आपको पता है कि जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी आयनिक डेंसिटी, आयनिक लैटिस एनर्जी भी बहुत हाई होगी। सो लिहाजा मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है, और लिहाजा इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी भी हाई है, जबकि बेरियम का साइज़ बड़ा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम है, लिहाजा उसका आयनिक रेडियस भी कम है, सॉरी ज़्यादा है बेरियम का, लिहाजा चार्ज डेंसिटी कम है, इसीलिए लैटिस एनर्जी कम है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट जस्ट लाइक दैट, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, इस केस में आप ये देखें कि MgO जो है इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और इसकी है +2। अब इसके ऊपर 2 चार्ज था, इस पर 3 चार्ज था, अगर हम इसे +3 में कन्वर्ट कर दें, मैग्नीशियम +3 हो, तो इसका मतलब इसका साइज़ और छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी और बढ़ जाएगी, और इधर से हम n -3 रखें तो इसका मतलब इसके मुकाबले में अगर हम ये बना लेते हैं तो इसकी लैटिस एनर्जी इंतहाई कम होनी चाहिए, सॉरी लैटिस एनर्जी इसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक।
ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इट इवन डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वजह क्यों नहीं करता कि ऑल दो वी आर प्रिडिक्टिंग कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। वजह कि मैग्नीशियम का Mg+3 बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, ये क्यों ज़्यादा है, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, तो आप ये भी मुझे बताएंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं इस इक्वेशन पर दोबारा। ठीक है, सो वी नो ऑल नो दैट के जो इसमें M है दैट इज़ कॉल्ड एज मेडलिंग कॉन्स्टेंट, मेडलिंग कॉन्स्टेंट, और दूसरा क्या है, बॉर्न एक्सपोनेंट। ठीक है, दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ आइंस इन द क्रिस्टल लैटिस। ये दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जो जो बेसिकली क्या करते हैं, जो अरेंजमेंट से रिलेटेड हैं, और ये आपकी लैटिस एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल रहे हैं। ठीक है, मेडलिंग कॉन्स्टेंट जो है इसको हम कहते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिक्रीजिंग सीरीज विच टेक्स इन टू द अकाउंट takes into the account the repulsion among ions of simple charges, ठीक है, as well as attraction among opposite charges, ठीक है, simple charges के दरमियान repulsion और जो opposite charges के दरमियान attraction है उसको ये account करता है। ठीक है, for example जैसे NaCl है, उसकी lattice energy आपको पता है। ठीक है, हर सोडियम और क्लोराइड आयन 6 ऑपोजिट चार्जेस से सराउंडेड होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, एंड दे फॉर्म अ लार्ज अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अगर फर्दर अगर हम इसको ये देखें कि 12 आयन्स ऑफ सेम चार्जेस आर आल्सो प्रेजेंट इन दैट केस, यानी 6 पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव है तो 6 नेगेटिव उसे सराउंड कर रहे हैं। अगर ये रेपिटेशन है तो फिर क्या होता है कि दो ऑपोजिट चार्जेस भी आमने सामने मौजूद हैं। ठीक है, दो ऑपोजिट चार्जेस मौजूद हैं, वो ऑपोजिट चार्ज के दरमियान रिपल्शन भी है। ठीक है, सो आपको अट्रैक्शन भी को भी कंसीडर करना है और रिपल्शन को भी कंसीडर करना है, और वो आपकी एनर्जी में फ़र्क डालेंगे, और वही उसकी स्टेबिलिटी को भी इन्हेंस भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, So finite number of, as one consider all ions throughout the finite crystal lattice, number of possible interaction increase hongi, theek hai, but magnitude of these forces diminishes to zero, theek, kyunki wo attract bhi kar rahi hain aur usme repulsion bhi maujood hai kuch na kuch. Ionic solids hamesha polar solvents mein soluble ho jate hain, ye aap jante hain, wajah kya hai, ड्यू टू डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन कॉम्पोनेंट्स ऑफ आइन्स एंड सॉल्वेंट्स। ठीक है, लैटिस एनर्जी, अब आप सॉल्युबलाइज करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है सॉलिड से वो सॉल्यूशन फॉर्म में जा रहा है, तो इसका मतलब है लैटिस एनर्जी आप उसकी ओवरकम होगी, लैटिस एनर्जी से ज़्यादा उसे एनर्जी प्रोवाइड होगी लैटिस एनर्जी के बराबर, तो वो सॉलिड कन्वर्ट होगा, डिसोसिएट होगा और वो पानी में डिजॉल्व होगा। ठीक है, सो लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर रही है कौन कौन सी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल आयन इंटरेक्शन या पोलर आयन आयन सॉल्वेंट और आयन इंटरेक्शन। ठीक है जी, सो जैसे NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेशन ऑफ आयन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ 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 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड दैट इज एक्चुअली द सॉरी driving force for this type of dissolution. अब इसका मतलब ये है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके उनकी जो लैटिस एनर्जी या स्टेबिलिटी है या उनकी डिसोल्यूशन है या उनका कि मेल्टिंग है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो किससे कंट्रोल हो रही है, उसका स्ट्रक्चर और उसमें मौजूद इंटरेक्शन से, ठीक है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो हम इससे किसी भी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी, सो आई थिंक दिस इज़ अनफ फॉर आयनिक सॉलिड। सो इस दौरान मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपसे रेज किए हैं वो मुझे उसके आंसर आप देंगे।
So next would be metallic solid, and this would be rather more interesting compared to ionic solid. ठीक है, तो आप लोग इसकी ज़रा आप पढ़ेंगे, इस बुक को फॉलो करें, पढ़ें और अंडरलाइन करें इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनी थिंग, बट दिस इज़ वेरी गुड रीडिंग मटीरियल. थैंक यू.